हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और एक आप मेरे हाथ में ये एक बॉक्स देख रहे हैं, तो दोस्तों इसको मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। तो इसमें मैंने कुछ लिलीज़ के बल्ब्स मंगाए थे, तो देखते हैं कौन कौन सी लिलीज़ के बल्ब्स आए हैं। तो दोस्तों ये मैंने अपने एक फ्रेंड से मंगाए थे, तो वो मुझे आज पार्सल मिला है, तो आप ही के साथ इसको अनबॉक्स भी कर रही हूँ और दिखा रही हूँ कि कौन कौन से बल्ब्स हैं लिलीज़ के। तो इस टाइम पर लिलीज़ कुछ खिल रही हैं, जैसे एम्ब्रेलिस लिलीज़, वाटर लिलीज़, और कुछ जैसे ये बल्ब्स हैं, तो मैं इनको ग्रो करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि कौन से बल्ब्स आएंगे। देखिए ये जो मेरे हाथ में है, ये नेरिन लिली है, उसके बल्ब्स हैं। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो में आपको इसके फ्लावर्स भी दिखा दूंगी, फ्लावर्स की पिक के कैसे ये होते हैं। तो ये मेरे पास नहीं थे, आमतौर पर हम एमरल्ड लिली वगैरह लगाते हैं, तो ये इस तरह से देखिए जैसे फिर फुटबॉल लिली के बल्ब्स होते हैं, उसी तरह से ये चार बल्ब्स आए हैं, ये नेरिन लिली के हैं और इसके अलग अलग कलर्स के हैं ये। तो जब मैं इसको ग्रो करूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे मैं इनको ग्रो कर रही हूँ, और साथ में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस पैकेट में जो है ये ग्लोरिसा लिली है, जिसको एक बेल की तरह होती है दोस्तों ये लिली, और इसके जो फ्लावर्स हैं बड़े सुंदर से होते हैं। तो देखिए इस पे लिखा है ग्लोरिसा लिलीज, और इसके भी बल्ब्स खोल के देख लेते हैं कि कैसे हैं और क्या इनमें निकलता है। तो ये देखिए कुछ इसके जो बल्ब्स हैं बड़े अच्छे से पैक कर रखे हैं उन्होंने, जिससे ख़राब ना हो। और ये देखिए अदरक की जड़ों की तरह पतली पतली लंबी लंबी सी कुछ ये लिलीज़ के बल्ब्स आए हैं, पतले पतले से हैं, जैसे कोई डे लिली के होते हैं उसी तरह से हैं। और दोस्तों ये इस तरह से ये चार नेरिन लिली के चार बल्ब्स हैं, और ये ग्लोरिसा के ये छः के करीब हैं, छः सात बल्ब्स हैं। और ये देखिए बिल्कुल पतले हैं, और ये आज ही पैकेट मेरे पास पहुंचा है, तो अब मैं इनको ग्रो करूंगी। तो इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल ही लूंगी, जिससे कि ये ज़्यादा पानी से सड़े नहीं, और जब हम इनको लगाएं देखते हैं कि स्प्राउट्स कितने दिनों में निकलता है इसका। तो दोस्तों आमतौर पर जो लिलीज़ होती हैं ज़्यादातर एम्ब्रेलिस लिलीज़, फ़ुटबॉल लिलीज़, डे लिलीज़ होती हैं, और वाटर लिलीज़ भी हमारे यहाँ खिल रही हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे जो बल्ब्स उनके फ्लावर्स हैं वो हैं। लेकिन आज जो ये लिलीज़ हैं ये मैंने कभी नहीं ग्रो करी, ना मैंने इनके फ्लावर्स देखे हैं दोस्तों, तो मुझे ये कुछ अलग से लगे, तो इसीलिए मैंने इनको मंगाया है। और आपको आज बल्ब दिखा रही हूँ कि नेरिन लिली और ग्लोरिसा लिलीज़ के बल्ब्स कैसे होते हैं, क्योंकि कई मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने शायद इनके बल्ब्स भी नहीं देखे होंगे। तो ये इस तरह से होते हैं दोस्तों, और जो ये नेरिन लिली है ये तो प्याज की तरह बल्ब है, और जैसे फुटबॉल लिली का होता है, और उसी तरह से है। और ये इसके फ्लावर्स हैं देखिए दोस्तों, अलग अलग कलर्स के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के, तो इसमें ये चार कलर्स हैं। तो इस तरह से ये जो लिलीज़ हैं उनके बल्ब्स, बिल्कुल बस आपको जैसे 8 इंच का गमला है तो उसमें एक बल्ब लगा दीजिए या दो बल्ब्स, और 10 इंच का है तो 3 बल्ब्स लगाने हैं, तो इनमें दो दो बल्ब्स एक ही गमले में लगाऊंगी, तभी शायद ये अच्छे से चलेंगे, और इसके जब फ्लावर्स खिलेंगे तब भी आपको मैं शो करूँगी कि कैसे इसके फ्लावर्स आए हैं। तो बस आज तो एक मेरा जो ये था बल्ब्स का अपडेट था कि कैसे इसके बल्ब्स होते हैं। और दोस्तों ये ग्लोरिसा के हैं, और देखिए बिल्कुल पतली पतली सी जैसे अदरक सी या कुछ ऐसी डंडियां सी हैं इसकी, और बारीक बारीक हैं। तो दोस्तों जो इसको हम लगाएंगे तो इसके लिए भी वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, और इसको आप चाहें तो किसी चौड़े गमले में लगा दीजिए, जिससे कि आपको इसमें साइड्स में एक केज बनाना पड़ेगा जिसपे इसकी जो बेल की तरह ये लिलीज़ के फ्लावर्स खिलेंगे उस पर चढ़ जाएं। तो ये देखिए इस तरह से बेहद खूबसूरत फूल होता है, और इसके कलर्स भी अलग अलग हैं। तो जहाँ से मैंने मंगाए हैं उन्होंने मुझे इनकी पिक्स भेजी थी फ्लावर्स की, कि कलर्स और इनके फ्लावर्स इस तरह के आएंगे। तो चलिए फिर इनको भी लगा के देखेंगे कि कैसा मुझे रिज़ल्ट मिला है, और फिर मैं आपको भी अपना जो रिज़ल्ट है उसको आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से ये डिफरेंट कलर्स के हैं, 4-5 कलर्स हैं, बहुत खूबसूरत फूल हैं, और ये फ्लावर मैंने देखा नहीं है पता नहीं कहीं नर्सरी वगैरह में भी। तो चलिए फिर इनको लगाकर इसका भी एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसी ये लिलीज़ हैं और कैसे ये फ्लावरिंग कर रही है। तो चलिए मेरे साथ देखिए गार्डन में मैं लगी हुई हूँ, ये जो मेरा वेल ड्रेन सॉयल है ये मैंने माली भैया को दिया है, उनको बोला है लगाओ इसको। तो दोस्तों ये जो ग्लोरिसा है इसको बिल्कुल लिटा के हॉरिजॉन्टली लगाना है, आपको खड़ा करके नहीं लगाना है। आमतौर पर जो बल्ब हम लगाते हैं बिल्कुल सीधे लगा देते हैं जैसे बिल्कुल प्याज की तरह, पर इनको हमें जैसे लंबी लंबी डंडियां हैं तो
बस इस तरह से रख देंगे और ऊपर से मिट्टी इन पे चढ़ा देंगे, जिससे कि जब ये स्प्राउट हो तब हम इनको बाकी थोड़ा सा चाहे शेड में रख देंगे, लेकिन अभी हमें इसको फुल सनलाइट में रखना है। और इस तरह से एक मेरे पास ये टब टाइप की हौदी टाइप का गमला है, तो मैं इसी में ही दोस्तों इसको बिल्कुल लिटा लिटा के रख रही हूँ, जिससे कि चारों तरफ से मैं इसमें स्टिकिंग कर दूं और उस पर वो बेलों की तरह ऊपर चढ़ेंगे। और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो गमले हैं मेरे पास, ये देखिए मिट्टी का टेक्सचर देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है, जिससे कि हमारे जो बल्ब्स हैं इसमें सड़े नहीं। तो दोस्तों ये जो नैरिन लिली के बल्ब्स हैं ये मेरे पास चार हैं, तो मैं एक ही गमले में दो लगा दूँगी और इसका भी रिज़ल्ट देखेंगे कैसा है। क्योंकि दोस्तों जब फ्लावर आता है और फिर वो थोड़ा सा भरा हुआ लगे पौधा और गमला, तभी वो सुंदर लगता है कि कैसा है। तो चलिए फिर इसका भी एक एक्सपीरियंस आपके साथ करूँगी, जब इसमें फ्लावर्स खिलेंगे आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो जिस तरह से मैं अपने जितने भी काम होते हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। ये देखिए इस तरह के चार कलर हैं और चार तरह कि ये मेरे पास बल्ब आए हैं, तो किस में कौन सा कलर निकलता है ये देखने वाली बात है, और इसका जो फ्लावर है वो भी कैसा निकलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर आगे आपको ये दिखा रही हूँ, ये कुछ रजनीगंधा के मेरे पिछले साल के बल्ब्स पड़े थे, देखिए कितने भारी मोटे से बल्ब हैं ये, अच्छे काफ़ी ग्रोथ हो रखी है इनकी। तो ये मैंने पिछले साल निकाल के रख दिए थे और अब मैं इनको दोस्तों ग्रो कर रही हूँ। इसमें आप स्प्राउटिंग भी देख रहे होंगे छोटी छोटी सी, तो बस आज यही काम हो रहा है। तो जैसे जैसे गमले दोस्तों खाली हो रहे हैं वैसे वैसे अपना समर गार्डन की तैयारी में हूँ, तो अभी काम तो बहुत सारा करना है और अभी तो शुरुआत ही है जो हम गर्मियों वाले पौधे लगा रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि जो फ्लावर्स अभी खिल रहे हैं तो उनको मैं बिल्कुल निकाल नहीं रही हूँ, क्योंकि पूरा गार्डन भी एकदम से खाली करना अच्छा नहीं लगता। तो जैसे जैसे गमले जो हैं हमारे खाली हो रहे हैं वैसे वैसे मैं अपने बल्ब्स हैं या फिर समर की जो भी पौध है वो लगा रही हूँ, तो पूरी उसकी तैयारियों में चल रहा है काम एक तरफ से। और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके माय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय।